हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रदीप खत्री, आप देख रहे हैं टेक क्लब। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन के iOS 14 के बारे में, जो कि आज 17 सितंबर को लॉन्च हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे iOS 14 के बारे में। अभी इसके अंदर iOS 13.7 इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें वाईफाई टर्न ऑन कर लिया है, और इसी के साथ में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे देख सकते हैं। अब तो हम जा रहे हैं iOS 14 अपडेट करने। गाइज, अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे को एप्पल का ये जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा तो चलिए देखते हैं अपडेट करने के बाद। तो मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ 1, 2 एंड स्टार्ट। अब ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो गाइस पासवर्ड थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मेरे को एक ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग। तो मतलब मोस्टली जैसे हम सब लोग इसको एग्री करते हैं, हम बिना पढ़े, तो मैं भी वही करूँगा, क्योंकि इंडियन वाली सोच तो कभी जा ही नहीं सकती ना, तो हम कभी सुनते नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए, नेक्स्ट कर देते हैं। पर आप एक बार इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है। मेरे पास नहीं है, तो मैं एग्री कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 2.37 GB के आसपास का ये डाउनलोड इसका एप्लीकेशन है। मोस्ट आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन के अंदर 50% से ज़्यादा बैटरी हो, या आप चार्ज करते वक्त भी इसे अपडेट कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि 50% से बिलो तो ये लेगा ही नहीं आपको अपडेट के लिए। तो यहाँ पे अब अपडेट रिक्वेस्ट जा चुकी है, अभी अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट है, तो ये मुझे लग रहा है बहुत 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तब तक मैं इसे स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि अब जो है मेरा फ़ोन, इसके अंदर ये आईफोन 10 है, और इसके अंदर अब मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पूरा सॉफ्टवेयर, और इसमें बता दिया है कि क्या क्या मुझे अपडेट में मिलेगा। तो यहाँ मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देख सकते हैं आप सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन आ, अपडेट कर लिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मुझे अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, फ़ोन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम पहले जैसा ही है, और जो यहां पे मुझे फंक्शंस थोड़े मिले हैं अपडेटेड, तो वो मिले हैं यहां पे, जो इसके विडजेट हैं। और जो आप यहां पे एक फ़ीचर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके मैं यहाँ पर जो इसके नोटिफिकेशन आइकॉन्स है, और ये मुझे यहाँ पर स्वाइप अप का एक ऑप्शन मिल चुका है, जहाँ पर मैं टाइम और न्यूज़ और कुछ भी फ़ोटोज से जैसे रिलेटेड अपडेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कई कंट्रीज़ के टाइम मेरे को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप पुश करेंगे थोड़ा सा, तो 3D टच फीलिंग भी यहाँ पे है, जहाँ पे आप इसको टॉगल्स को एडिट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे वेदर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी बात मिलती है देखने को, कि आप यहाँ पे आईफोन 11 या 10 जो भी आपके पास है, उसके iOS 14 के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ पर सब आपको सारी चीज़ें इसमें पता लग जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ और भी फीचर्स के बारे में, बहुत अच्छा जो मुझे परफेक्ट चीज़ लगी वो है ये बैटरी का साइन, कि पहले हमें यहाँ पे बैटरी देखने के लिए यहाँ जाना पड़ता था, इसको टॉगल को नीचे करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे बैटरी हमें बिल्कुल एक बड़े विजिट में दिख जाती है कि हाँ कितनी बैटरी अभी हमारे पास है। यहाँ पर शेयर मार्केट वाले इस टॉगल को भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर ऐप्स की, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा यूनिक iOS का जो मेन प्राइम फीचर मुझे लगा देखने को, वो ये था कि जो सारे ऐप्स है वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेस्टेड ऐप, सोशल मीडिया ऐप, इस iOS ने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया कि कौन सा ऐप किस चीज़ के पर्पज़ से यूज़ हो रहा है। तो क्रिएटिविटी हो गया, यूटिलाइज हो गया, प्रोडक्ट एंड फाइनेंस हो गया,
तो उनको कैटेगराइज कर देता है। तो बस इन चीज़ों का बेनिफिट हमें यहाँ मिलता है, बाकी कैमरे में कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। इसी के साथ में थोड़ा सा चेंजेस हमें इसकी स्मूथनेस एक्सपीरियंस में और ज़्यादा हो गया। वैसे तो आईफोन होते बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस हमें थोड़ा स्मूथ और हो गया है। अगर हम यहाँ पे मैसेज वगैरह की बात करें तो स्टिकर्स थोड़े अपडेटेड हो गए हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा स्टिकर्स मिल चुके हैं। अभी मेरा डेटा ऑफ है, इस वजह से ये ऐसा शो हो रहा, नहीं तो मैं आपको स्टिकर दिखा देता हूँ कि तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी अपडेट्स। अगर स्टिकर की बात करें तो यहाँ पे स्टिकर्स बहुत सारे मिल गए हैं हमें, और यहाँ पे आप स्टिकर्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने को मिलेगा कि स्टिकर्स में अलग अलग डिफरेंट आ गए हैं, सर्च बार का भी ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आप GIF हो गया, स्टिकर्स हो गए, उनको आप देख सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा यूनिक सा iOS इसके अंदर हमें मिला है। और अगर बात करें तो ऑलरेडी इट्स वर्क फाइन। और यहाँ पे ट्रांसलेशन का आप ऐप देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे इस वर्ज़न को अपडेट करने के बाद मिला है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं, जैसे कि मुझे इंडिया पसंद है, तो इन्होंने उस चीज़ को स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने इंग्लिश में बोलना था, आई लव इंडिया सो मच। अभी इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर देगा, और आप देख सकते हैं कि ये स्पेनिश में ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो है इंटरेस्टिंग है। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है ये जो ऐप्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा है, आप भी अपडेट कर लीजिए, इतना ज़्यादा कोई मुझे बुरा नहीं लगा। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा कि इस iOS में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही। अगर अच्छा हुआ तो हम बिल्कुल हम इसे अप्रिशिएट करेंगे, और एप्पल को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे नेक्स्ट iOS के लिए और iPhone 12 के लिए जो कि लॉन्च नहीं हुआ। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस चैनल पर वीडियोज़ कैसी लगती है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।